कल देर शाम को गुजरात सरकार का वो हलफनामा सर्वविदित हुआ जो कि बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा था। और उसके में से अब ये साफ हो गया है कि ये 11 बलात्कारियों की रिहाई उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अमित शाह की स्वीकृति से हुई थी। गृह मंत्रालय ने 28 जून की आई हुई गुजरात सरकार की एप्लीकेशन को 10 जुलाई को 2 हफ्ते के अंदर फटाफट स्वीकृत किया कि हाँ 11 बलात्कारी रिहा हो सकते हैं। वो 11 बलात्कारी जिन्होंने 5 महीने की एक प्रेग्नेंट औरत का रेप किया, उसकी मां का रेप किया, उसकी 3 साल की बच्ची का सिर दीवार में फोड़ दिया और उसके परिवार के 7 सदस्यों की निर्मम हत्या करी, वो 11 बलात्कारी नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री अमित शाह की स्वीकृति से रिहा हुए हैं। सवाल बहुत सारे हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जिस देश में गृह मंत्रालय की कुर्सी पर कभी सरदार पटेल लौह पुरुष बैठते थे, क्या अमित शाह को उस पर बैठे रहने का 1 मिनट का भी नैतिक अधिकार है? और गृह मंत्रालय बन क्या रहा है? बलात्कारियों का, हत्यारों का, कुकर्मियों के साथ खड़े रहने वालों का गिरोह। अजय मिश्र टेनी भी बने हुए हैं, अमित शाह भी बने हुए हैं। उसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इसकी खिलाफत, इस रिहाई की खिलाफत सीबीआई ने, उस स्पेशल कोर्ट ने जिसने इनको दोषी पाया था और वहां के एसपी ने की, उन लोगों ने कहा ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था, उनको बिल्कुल नहीं रिहा करा जाना चाहिए। उसके बाद भी गुजरात की सरकार ने अमित शाह की हरी झंडी और स्वीकृति के बाद उनको रिहा किया। ये लोग हजार हजार दिन तो पैरोल पे और फरलो पे बाहर रहे थे, मतलब 3.5 3 चार चार साल तो ये आजाद मस्त घूम रहे थे। लेकिन आज सवाल है मौन का, आज सवाल है प्रधानमंत्री के मौन का, आज सवाल है अरविंद केजरीवाल के मौन का। आप तो कभी कुछ नहीं बोलते केजरीवाल जी, बार बार गुजरात जा रहे हैं, अभी भी चुप रहिएगा, आज भी कुछ नहीं बोलिएगा। अब तो ये सर्वविदित है कि अमित शाह की रहनुमाई से ये लोग रिहा हुए थे, अभी भी चुप रह जाइएगा। खैर वो आपका मसला है, लेकिन आज इस देश को ये पूछना और समझना जरूरी है कि क्या बलात्कारियों के भरोसे, क्या उनके बल पर, क्या उनको खुश रख के अब चुनाव लड़े जाएंगे? और अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आइंदा महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की बात मत कीजिएगा। और अगर वाकई में आपके शब्दों में लेश मात्र भी सच था तो निकाल फेंकिए अमित शाह को, जिन्होंने स्वीकृति 2 हफ्ते के अंदर इन 11 बलात्कारियों को की रिहाई की दी।